मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दियां कोशिशां सदका हुण पंजाब दे लोक शरीरक तंदुरुस्ती पक्खों जागरूक हो रहे ने। यही कारण है कि सूबे दियां पार्कां च रोजाना सवेरे शाम लोग योगा करदे दिखाई दे रहे ने। पंजाब सरकार वालों शुरू कीती सीएम दी योगशाला जन मुहिम बन गई है। इस मुहिम तहत पंजाब भर दे जिलियां च 3000 तो ज्यादा योग क्लासां चल रही है, जिस दे विच रोजाना 80,000 तो वध लोग योगा कर रहे ने। एक मिस कॉल मारनी है तुसी, असी तुहाडे कोले योगा दा टीचर भेजांगे, ओ तुहानू उत्थे योगा कराऊगा और तुहाडे आले दुआले तो होऊगा कोई ना कोई, और असी फ्री दे विचों भेजांगे ते तुसी महीने दो महीने तुसी अपने सेहत पक्खों भी फर्क नजर आऊगा, क्योंकि असी चाहुंदे आ कि पंजाब सेहतमंद रहे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दा मनना है कि इस समय दी लोड़ है कि ना सिर्फ चंगी सेहत बनाई जावे सगों उन्हां लोकां नूं तनाव तो भी दूर किया जावे जिन्हां नूं अपने जीवन च हर रोज अनेकां चुनौतियां दा सामना करना पैंदा है। मेरा नाम कमलजीत सिंह है, असीं पंजाब सरकार दे बहुत धन्यवादी हाँ जिहड़ा उन्होंने नवा उपराला सीएम दी योगशाला शुरू कीती है, जिहदे नाल कि मन तन सारा स्वस्थ रहिंदा है। अजिहे च मुफ्त सीएम दी योगशाला लोकां लई कारगर साबित हो रही है। हाँ जी असं जम्मू तो आए हैं जी। जम्मू तो? हाँ जी हाँ बिल्कुल। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं असं, पहली बार। लंगर खादा? बड़ा अच्छ 3-4 दिन हो गया जी, जी। लंगर खाद बहुत वधिया लंगर है। हाँ दो सब्जियां होंदियां ने, नाले दाल होंदी है, फुलका रोटी बहुत अच्छा जी, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा वधिया लगा। इन्हों का डिसिप्लिन, इन्हों का, इन्हों की जी टीम वर्क, जरा जी टीम वर्क करती पी ना, काम करती पी है, बड़ा वधिया काम करती पी है। हाँ बड़े बड़ी बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया इतने देख के ना इन्हों का प्रोग्राम। हाँ जिमें जिमें गया दे विच भीड़ वध जा रही है, श्रद्धालु वध रहे ने, उसी तरह ताडे इत्थे जिथे लंगर तुसीं ला रहे हो श्रद्धालु वध रहे ने। देखो जिमें भी भीड़ वधदी जा रही है उवें करे असीं इंतजाम वधा रहे हैं, उवें करे खाणा मतलब वध रहा है। मान लो जे पहले 7,000 दी एवरेज पै रही सी, 9,000 दी एवरेज पै रही है, इत्थे बंदे लखां दी तादाद ते पहुँचदे है, क्योंकि साडी भी इक लिमिट है, लिमिट दे मुताबिक असीं कम करदे हैं। जिहड़ी मैं तुहानूं इक नवीं जानकारी दिंदा, वी 30 तरीक नूं फलगो नदी दे उत्ते जिवें दिवाली मनाई जांदी है, उवें कर फलगो नदी के उत्ते दीवे जगाए जाते हैं, बहुत वड्डी तादाद से मतलब सीन वो देखने वाला है। मतलब असं भी कह सकते भी दिवाली नालों वधिया, जबकि मैं पंजाब का रहने वाला मतलब, लेकिन वह बहुत वड्डा मतलब प्रोग्राम है, बहुत लोग मतलब 1,000-1,000 दीवा लाते हैं, बहुत सारे बंदे 10-10,000 दीवा लाते हैं, पूरा मतलब एक किस्म की बिल्डिंग वांगू बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, किसी ने कोई गोल चक्कर बनाता, किसी ने कोई बिल्डिंग खड़ी करती, या किसी ने कोई महल टाइप बना लिया, जह जहाँ जिदे को बच्चों के अरेजमेंट है, या जह जी जिदे को मतलब सुविधा हैगी है, उस जहाँ उत्थे लोग बहुत सारा बनाते हैं, गरीब तो गरीब अमीर तो अमीर उत्थे आदमी पहुँचता है, लेकिन वह मतलब वेखन वाली चीज़ है। इंडिया के दिवाली तो बिना इन्ने मतलब दीवे इतें ही लगते गया जी, मतलब वह जिन्हें भी देखना चाहे या देखना चाहिए हर बंद देखना चाहिए। मतलब जिमें तदार वध रही है, तुम लोगों को कहना चाहोगे? असं लोगों को ये चाहवे बस शांति खाई चलो, सानू खवाण वाली कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साढ़े को बनाने वाले बंदे बहुत ज़्यादा है, भी जिन्हें कि असं सेवा कर सकते लोगों की वो कर रहे हैं। मतलब तो तुम कितों आए हो? श्री गंगानगर से। गंगानगर तो? अच्छा तुम इतने लंगर खाधा जी? हाँ जी लंगर खाधा। तुम लंगर सुबह से चालू होता है और शाम को तक चलता रहता है, हर हर टाइम कोई ना कोई नई आइटम आती है, सुबह नाश्ता आता है, दोपहर में रोटी, फिर समोसा या कचौरी आ गई या टिक्की आ गई, अब ये आपके सामने प्रोग्राम चल ही रहा है। मतलब गया जी में एक रोटी की दान करने का 100 रोटी के बराबर है। यहाँ के जो जो भी आता है निष्काम सेवा के लिए आता है, हम भी आए हैं तो निष्काम सेवा के लिए आए हैं, जो परमात्मा ने कृपा करी है इतनी बड़ी तो इसलिए हम आए हैं। सुल्तानपुर? सुल्तानपुर। हाँ जी। गया पहली बार आए हैं? हाँ जी पहली बार आए हैं। लंगर खाता? हाँ जी बहुत वधिया है, अच्छा है, सुन माहौल भी ठीक है, अच्छा है, बहुत वधिया है। हाँ जी पठानकोट तो? हाँ जी सुल्तानपुर। मैं एमपी जबलपुर से आई हूँ। अच्छा एमपी से है। आपने यहाँ पर लंगर खाया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, सबसे अच्छा यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने ये आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छे हैं,
उनका नेचर इतना अच्छा है, स्वभाव इतना अच्छा है कि ऑटोमेटिक मन करता है कि नहीं खाओ यहाँ पे। और अभी मैंने खाया है, बहुत अच्छा लगा, इतनी संतुष्टि मिली। और मैं इनको जी भर के आशीर्वाद दूंगी और बहुत बहुत दुआएं दूंगी। मैं पहली बार गया जी आई हूँ और मेरे को ये देख के ना मेरे को अपने कैंप की याद आ रही। मैं आर्मी में एनसीसी ऑफिसर थी। अच्छा। हाँ, तो एनसीसी ऑफिसर थी तो ये सब मैं भी करती हूँ कैंप में। तो मेरे को आज लग रहा है कि मेरे को दोबारा मौका मिला है अपने कैंप में आके सेवा करने का। एनसीसी ऑफिस में तो वो होता ना स्ट्रिक्टनेस और थोड़ा माहौल वैसे संभालना वगैरह, तो यहाँ पर कैसा देख रहा है? तभी मैं अपने एनसीसी कैंप की याद आ गई, मेरे को अपने आर्मी की याद आ गई, मैं इसलिए आ गई। मेरे को लग रहा है आज मैं अपने कैंप में आई हूँ, इतना खुशी मिल रही है कि मेरे को आज मौका मिला है करने का, बहुत है। और मैं तो भगवान से और इनसे चाहूँगी कि हमेशा मुझको बुलाएँ। तो मैं गया जी तो नहीं आऊँ, इस काम के लिए ज़रूर आऊँ। धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬ੍ਰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਲੈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਲੰਗਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਧਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। आप कहाँ से हैं? होशियारपुर से। होशियारपुर से। आपने यहाँ पर लंगर खाया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है इनका, जो केयर लोगों की है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा। सिस्टम अच्छा है इनका, लाइन वाइज जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा है इनका, हर किसी की बहुत अच्छी सेवा करते हैं और लंगर भी इनका बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी और अच्छा। बहुत अच्छा। गया मैं पहली बार आया। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। हम भी पहली बार। बहुत अच्छा, अच्छा है यहाँ पे, सब हेल्पफुल है, ऐसा देखा नहीं मैंने कि कोई प्रॉब्लम हाँ। हुई है, सब अच्छा है यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? मैं अंबाला छावनी से आया हूँ। अंबाला छावनी से जी, हरियाणा। पहली बार आए? नहीं, मैं इससे मैं दूसरी बार आया हूँ और पिछले साल भी हम पंजाबी धर्मशाला में ठहरे थे। अपना पंडित हीरानाथ जी की जो व्यवस्था, जो लोगों के लिए कोई इनको मतलब लालच वाली बात नहीं है, जो आप दे दो। पितृपक्ष में यहाँ पर जो 17 दिन का जो सर्वसंपन्न मेला होता है, उसमें विजय गुप्ता जी जो हैं, ये काफ़ी दिनों, पिछले साल भी देखा था, सुबह चाय का लंगर, दोपहर को 10 बजे नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, चाय कंटिन्यू चलता रहता 17-18 दिन। ये पंजाब से हैं, मैं जानता तो नहीं इनको, लेकिन ये पता है कि ये पंजाब से आकर 17 दिन के लिए मतलब काफ़ी सेवा करते हैं लोगों की। बिल्कुल कोई जैसे घर जैसा कोई डर, जब पिछले साल घर से चले थे तो डर लग रहा था। अच्छा। पहली बार गया जी जा रहे तो क्या होगा, जब यहाँ आके माहौल देखा। अब इस बार गया जी ने, पितरों ने कृपा करी, कुछ खुशी मिली, तो मैं सेकंड टाइम दोबारा आया हूँ यहाँ पर। तो आज मैं पूजन के लिए नहीं आया, सिर्फ जो पितृपक्ष में मेरे को कुछ अच्छा लगा, तो मैं आज दोबारा अकेला ही आया हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, कमरा मिल गया, रहने को मिल गया, भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है मुझे। बल्कि अच्छा लग रहा है कि गुप्ता जी बहुत जो पिछले साल सेवा करी थी उससे भी इस साल ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तुम कितों आए हो? मैं बठिंडे तो आया जी। जो तुम देख रहे लगातार कई दिन से गुप्ता जी के नाल तो ही सेवा करवा रहे हो, ते कदों ना तुम इनां दे नाल जुड़े थे, कदों तो सेवा दे करते? असी 4-5 साल तो नाल जुड़े हुए हैं जी इन्हां नाल, ते असी सारा दिन ही जिन्ने भी दिन इत्थे लगा के जांदे आ उन्ने दिन असी सेवा करके नाल जांदे आ। उत्थे असी पहलां ही 4 महीने पहलां असी तैयारी शुरू कर दिंदे आ लंगर दी, ते आ के इत्थे सारी तैयारी जो भी है बंदोबस्त असी सारा करदे आ। सवेरे जो भी है समान लै के आना, उस तो बाद शाम नूं दुपहरे जो भी इन्हां दा मटीरियल हुंदा उह इकट्ठा करदे आ असी, लंगर नाल वरताने आ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਗੁਰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਭਗਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਂ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ
फिर उन्होंने मैंने कहा तुसी उत्थे पितृपक्ष दी तुसी पूजा करा के आओ। फिर मैं उत्थे पूजा कराने आया सी, सत दिन की पूजा कराई सी, उदो फिर मैं उस तो बाद इन्हां दे नाल जुड़ गया सी, लगातार इन्हां दे नाल ही हुण आ रहा मैं। असी जलंधर तो आए जलंधर। हाँ जी हाँ जी, लंगर बहुत ही अच्छा लगा सी। पहला बाहर चले सीगे पर असी जो देखिया भी इत्थे लंगर लगा होया, असी फिर इधर नूं ही आ गए ते असी खाना खाधा, सानूं बहुत ही अच्छा लगा। तो असी हुण मतलब असी सोच लिया कि असी बाहरों बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल साफ सुथरा खाना, और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है सेवादारा दी, और बहुत सुभाग्य की गल है कि इन्हां नूं सेवा करन दा मौका मिलिया, तो बहुत सौभाग्य की गल है, बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत स्वादिष्ट खाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से आया हूँ, मध्य प्रदेश जबलपुर से। अच्छा जी, आपने यहाँ लंगर खाया? यहाँ पे मैंने लंगर खाया और बहुत अच्छा खाना, बहुत शिद्दत से बनाया, बहुत टेस्टी खाना, और यहाँ के लोगों ने काबिले तारीफ मेहनत की है। बहुत इतनी गर्मी, एक्सट्रीम गर्मी में ये लोग पूरे दिन रात लगे हुए हैं, ये इनकी जो मेहनत देख के मुझे, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ और इनकी भावनाओं को मैं कद्र करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने मिशन में कामयाब रहें। ये जो जन सेवा कर रहे हैं ये अपने आप में काबिले तारीफ है। मतलब यहाँ पर इस माहौल में लोग अपने आपको सेव कर नहीं पा रहे हैं गर्मी से, और ये गर्मी के बीच में, इतनी गर्मी में ये सेवा जो कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है, और मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ इनको, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने मकसद में कामयाब हैं, और हमेशा ये ईश्वर इनको शक्ति दे कि ये लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।